बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक मोदी सरकार की तरफ से बुलाई गई है और इसमें सभी दल, जिसमें विपक्षी दल हैं, ये सब शामिल होंगे और सभी दलों को विदेश मंत्री एस जयशंकर, बांग्लादेश की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो हालात है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सुबह 10 बजे यानी अब से लगभग 35 मिनट बाद ये बैठक होगी संसद भवन के एनेक्सी में। और यहाँ क्या हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, भारत की रणनीति बांग्लादेश को लेकर क्या है, बांग्लादेश को लेकर अब भारत अगला क्या कदम उठाएगा, इस पर जानकारी सभी दलों को दी जाएगी। अमित कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, जो बैठक बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक बांग्लादेश मुद्दे पर, इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, आज सुबह 10 बजे पार्लियमेंट के भीतर बुलाई गई जो एनेक्सी है वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल रात को सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री जिसको चेयर कर रहे थे, तमाम सीसीएस के मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, जिसमें हालात का की जानकारी ली गई, वहां पे हालात को एसेस किया गया। और आज सभी पार्टी, क्योंकि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और ऐसे में वहां पर जो तख्तापलट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सीधा असर हमारे देश पर ही पड़ेगा, वो हमारी सीमा से सटे हुए देश हैं, और ऐसे में वहां पर लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या रुख है सरकार का, इन सारी चीजों को लेकर बाकायदा विदेश मंत्री वहां पर प्रेजेंटेशन देंगे। वहां पर जो पूरी जो हालात वहां पर है उसको लेकर ब्रीफ करेंगे वहां पर। इसके बाद सर्वदलीय बैठक में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ऑनबोर्ड करेगी सरकार। ये चाहती है कि वहां पर जो भी हालात हो रहे हैं उसका सीधा असर भारत को पड़ना है, तो भारत में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको ऑनबोर्ड किया जाए, सब लोग एक साथ मिलकर इस माहौल में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर असेस किया जाए, और इसके बाद सरकार हो सकता है, जैसा कल ही जानकारी हमने दी थी कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो सदन के दोनों सदनों में स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं सर्वदलीय बैठक के बाद। तो महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार इस मसले पर इसको गंभीरता से लेते हुए सभी दलों को ऑनबोर्ड करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दल को वहां बुलाया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से विदेश मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह होंगे वहां पर, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, और सभी दलों को वहां पर, क्योंकि कई आशंकाएं हैं, कई दिमागों में उनकी बातें हो रही है पिछले दिनों, और सबने देखा, सभी के साथ अगर साझा की जाए, सभी के साथ अगर सलाह मशवरा किया जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी दलों को साथ में लेकर सरकार चल रही है, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा है बांग्लादेश का। अमित,